दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरपीटी के आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 2019-22 का जो रिजल्ट का शॉर्ट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। वेबसाइट में जो है अपलोड कर दिया गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 नवंबर तक तो जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल के कारण जो है काम बंद था तो लेट हो गया, तो 15 नवंबर तक तो जारी कर दिया जाएगा। और कल जो है शाम में जो है ये रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया गया, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट है जिन्होंने पास कर लिया है वो रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया गया। और मार्क्स का भी कुछ दिन में जो वो अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल आप जो है अपना शॉर्ट लिस्ट में नाम देख सकते हैं कि आप पास हुए या नहीं हुए। तो दोस्तों, इसमें जो है कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ क्वेश्चन भी है। आपको दिखाएंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे अपना रोल नंबर चेक करना है। और यहाँ पे जो कुछ सवाल जो आ रहे हैं स्टूडेंट का, दोस्तों ये जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सवाल लिखा है। व्हाट इज एनसीएल, एनसीएल का मतलब क्या है, यानी कि जो रिजल्ट है उसमें एक एनसीएल कॉलम बना हुआ है। एनसीएल के अंडर में बहुत सारे जो रोल नंबर है, किसी का जो बहुत किसी का रोल नंबर उसके अंडर में आया है। और दूसरा सवाल आ रहा है कि एनसीएल लिस्ट में अगर रोल नंबर आ गया है तो उसका क्या मतलब है, पास हुए या नहीं हुए, क्या हुआ, तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और तीसरा जो है दोस्तों, जिसका लिस्ट में रोल नंबर नहीं है उसका क्या होगा, जो लिस्ट में रोल नंबर नहीं है उसका क्या होगा, उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले जो आपको यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड वेबसाइट है, ये जो है ओल्ड सबसे पहले ये वेबसाइट था, तो ये ओल्ड वेबसाइट में आपको आना होगा। यहीं पे आपको जो ये जो बार यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसमें आपको यहाँ पे सेमेस्टर 6 का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। तो यहीं पे आपको जो देखने को मिलेगा यूजी सेमेस्टर 6 2019 आर्ट्स एंड साइंस ऑनर्स का जो है रिजल्ट, और उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा कॉमर्स का। तो अगर आपको आर्ट्स साइंस देखना है या फिर कॉमर्स देखना है, जिसपे जिसको देखना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट के सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स और साइंस, अगर आप क्लिक करते हैं तो आर्ट्स यहाँ पे ऑल, यानी यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे करेंगे तो आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ साइंस वाला में व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, साइंस का जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये जो है दोस्तों सारे कॉलेजेस का है, एसकेएमयू के अंडर में जितने भी कॉलेज है वो सारे कॉलेज का, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेजों का यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पीडीएफ जो आपके पास डाउनलोड होगा, अगर आप मोबाइल से करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से करते, किसी से भी करते हैं, तो इस टाइप का आपको जो पीडीएफ खुलेगा। और आपको जो रोल नंबर चेक करने के लिए, रोल नंबर चेक करने के लिए आपको जो है अपना यहाँ पे सर्च करना होगा आपका रोल नंबर जो है वो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रोल नंबर यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रोल नंबर यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जो एनसीएल के जो रिजल्ट, यहाँ पे एनसीएल है, एनसीएल के रिजल्ट में ये यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें जो है दोस्तों और भी दिखा, जैसे कि एनसीएल लिस्ट है और नीचे जो आपको पास लिस्ट भी दिखेगा। तो एनसीएल और पास, ये दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, वो आपको इसमें भी मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये पास है, ये पास के नीचे जितने भी रोल नंबर है ये सारा जो है पास है, यानी कि पास ये हो गए हैं। और एनसीएल के जो है, एनसीएल में जो है ये सारा जो है पेंडिंग है। एनसीएल के अंडर में जितने भी रोल नंबर दिख रहे हैं आपको, ये सारा जो है पेंडिंग है। तो ये रोल नंबर जो मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो ये भी जो है यहाँ पेंडिंग के लिस्ट में यहाँ पे है ये। तो अब चलिए दोस्तों, अब ये क्लियर करते हैं कि एनसीएल क्या है और क्या ये मतलब, या जो क्वेश्चन है आपका वो आपको जवाब देते हैं। इस तरफ से आप यहाँ पे अपना रोल नंबर चेक करते हैं, अगर रोल नंबर पास में आ गया तो आपका रोल नंबर जो है आप पास हैं। और मार्क्स जो है, मार्क्स स्टेटमेंट भी डाउनलोड हो जाएगा, कुछ दिन बाद जो है वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो अपडेट करते हैं तो मैं आप लोग को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ये है एनसीएल जो है, ये क्या क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये एनसीएल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों एनसीएल जो है, एनसीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉट कंप्लीटेड लोअर सेमेस्टर। तो यहाँ पे ये पूरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इसका जो पूरा पूरा जो यही होता है कि नॉट कंप्लीटेड लोअर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि आप जो है वन से लेकर 5 तक में कोई भी सेमेस्टर जो है आपका पेंडिंग है, यानी कि आपने वो क्लियर नहीं किया है कोई भी रीजन से, या फिर प्रमोटेड लगा हो 1 से 5 तक में, चाहे 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, या 5 लगाओ, या फिर 2 लगाओ, या फिर 3 लगाओ, या फिर 5 लगाओ, लेकिन आपका जो है यहाँ पे आपको पेंडिंग है, आपका रिजल्ट जो है 1 से लेकर 5 तक में कोई भी पेंडिंग है, तो आपका जो रिजल्ट वो एनसीएल के अंडर में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, एनसीएल एनसीएल के अंडर में दिखेगा आपको जो है वन, यानी कि एनसीएल का जो है दूसरा जो है, अगर एनसीएल लिस्ट में रोल नंबर आया तो क्या करें। तो दोस्तों आपका जो, अगर एनसीएल का लिस्ट में जो आपको रोल नंबर आया है तो आप पास हैं, यानी कि आप पास हैं सेमेस्टर 6, ठीक है। सेमेस्टर 6 जो है आप यहाँ पे पास हो गए हैं, तो आपको जो है
लेकिन आपका जो लोअर सेमेस्टर जो है वो पेंडिंग है, तो सेमेस्टर सिक्स तो आप पास हो गए लेकिन लोअर सेमेस्टर आपको पेंडिंग है। तो ये आपको 1 से 5 तक जो है जो भी आपका पेंडिंग हो अपना मार्कशीट आप चेक करेंगे, सारा मार्कशीट निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें प्रमोटेड लगा हुआ है, तो वो आपको जो सेमेस्टर वो आपको क्लियर करना होगा। जब उस सेमेस्टर का जो एग्जाम जिस जब होगा उस टाइम आपको वो एग्जाम दे के क्लियर करना होगा, तो आपका जो फाइनल होगा यानी कि अभी जिसका भी एनसीएल में वो आपकी फाइनल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेमेस्टर सिक्स तो आप पास हो गए हैं लेकिन आपका लोअर सेमेस्टर अभी पेंडिंग है, इसलिए आपको फाइनल अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे है जिसका लिस्ट में रोल नंबर नहीं है उसका क्या, जिसका मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं और आपका जो है रोल नंबर लिस्ट में नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप सेमेस्टर सिक्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, सेमेस्टर सिक्स जो है आप यहाँ पे आप फेल हो गए हैं, उसका मतलब हुआ फेल आकर। ये शॉर्ट लिस्ट है जो दिया हुआ है दोस्तों वो है कि सिर्फ पास का दिया हुआ, पास और एनसीएल यानी कि पेंडिंग वाले को दिया हुआ है, जो फेल हो गए हैं उसका जो है लिस्ट में जो है नहीं दिया हुआ है, तो जिसका लिस्ट में रोल नंबर नहीं दिख रहा है तो समझिए वो कि वो फेल हो गए हैं। दोस्तों अगर कोई अच्छे से पेपर लिखे हैं फिर भी उसका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, पहले कॉलेज से करेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेंगे और अपना कॉपी चेक करने के लिए वहां पे क्लेम करेंगे, तो वो ऑप्शन दिया जाता है और वो इस बार भी दिया जाएगा, तो वो कर सकते हैं। और दोस्तों जिन्होंने भी सेमेस्टर सिक्स जो है पास कर लिया है उसको बहुत बहुत बधाई और आप आगे की तैयारी करें, और जिसका भी पेंडिंग है वो परेशान ना हो, आपका भी क्लियर हो जाएगा। लोअर सेमेस्टर आप क्लियर करेंगे, ये लोअर सेमेस्टर जो आप क्लियर करेंगे तो आपका जो है ये भी आपका सेमेस्टर सिक्स भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, जितने भी अभी मैंने यहाँ पे बताया ये क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया हो। फिर भी इसके अलावा और भी कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत